हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ मैं खरीद रही थी नारियल, क्योंकि आज जा रही हूँ मैं अपने मायके। वहाँ पे पापा का पहला राखी का त्यौहार है, तो राखी के एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, अच्छा जो भी वार होता है उस दिन, वो धागा बांधना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो वो बनता है उसको साथ के साथ में हटा देते हैं, लेकिन राखी आने से पहले ये धागा बन जाता है। तो हम लोग वहीं जा रहे थे और इसमें जितनी भी अपनी फैमिली होती है, जैसे चाचा, ताऊ, ताई, जितने भी लोग होते हैं अपने परिवार में, उनके लड़के, सबको मतलब ये राखी बनती है। शुक्रवार था कल, तो इस वजह से बंधी थी। जब हम गए थे उस दिन शुक्रवार ही था, तो पीछे मेरी बहनें ये बैठी है और हम सब लोग जा रहे थे और ये छोड़ने जा रहे थे। हम घर पहुंचने के बाद ये देखी, इतने सारे नारियल हैं और गोले गोले बोलते हैं हमारे इसको, गिरी वाले को, खोपरे को, तो उसको हमने आधा आधा किया था। तो जेंट्स को तो ये सूखा नारियल देते हैं और एक गोला है जो मतलब लेडीजों को देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पापा को राखी चढ़ाई और उनको धोख लगाई। उसके बाद सबको हमने ऐसे कट करके इकट्ठा थैलियों में भरा और उसके बाद हम सब बांधने गए थे। लेकिन उससे पहले घर पे सबसे पहले मतलब राखी किसी को ना बांधे, उससे पहले घर के बाहर इस तरीके से पूजन होता है। तो इतनी सी जगह को शुद्ध करके यहाँ पे राखी लगानी होती है और राखी के दिन होता है वैसे तो ये, लेकिन जब हमारे आज ये धागा बंध रहा है ना, तो ये उस दिन ही इस तरीके से होता है। फिर हाथों हाथ इसको साफ भी कर दिया जाएगा और जो भी राखी वगैरह लगाई जाएगी उसको हटा दिया जाएगा। और घर के बाहर इतनी सारी गायें थी और ये सब लोग चाय पी रहे थे, बैठे थे। और यहाँ पे मैं धूप लगाने के लिए कंडे जला रही थी, जिसमें कि धूप लगा सके वो जो बाहर सरवर पूजना बोलते हैं इसको, ये जो पूज रही है मेरी बहनें, उसको सरवर पूजना बोलते हैं। और इसी तरीके से वो धूप लगा दी थी थोड़ी थोड़ी हमने यहाँ पे, जो राखी बांधी थी उसके गेट के बाहर बांधते हैं। और इसको हाथों हाथ ही हटा दिया जाएगा अभी के अभी, तुरंत से ही, इसको रखते नहीं है, हाथों हाथ हटा देते हैं। जिस तरीके से दूसरों को राखी बांधते हैं उसको भी हटा देते हैं। और उसके बाद वापस से मैंने इसको इस तरीके से साफ कर दिया था जगह को। ऐसे है रीति रिवाज, मेरे को ही समझ में नहीं आते क्या है, लेकिन ऐसे करते हैं तो करना पड़ता है। और हम लोग जा रहे थे, फिर मेरे जो भी परिवार के लोग थे, फैमिली के, हमारे काका, बड़े पापा तो नहीं है हमारे, क्योंकि मेरे पापा ही सबसे बड़े थे, तो जितने भी चाचा थे उनकी राखियाँ बंधी थी और काकियों के, उनकी बहुओं के, बेटों के, सबके बंधी थी। तो हम लोग वही बांधने गए थे सब लोग, और ये मैं और सेजल मेरी बहनें, तो घर दूर दूर है काफ़ी, तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया था। और आज ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब राखी का त्यौहार हमेशा खुशियाँ लेके आता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ऐसे हो रहा है ना कि धागा बांध रहे वो भी पापा के लिए। और ऐसा दिन मेरे हिसाब से तो किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के किसी ऐसे दुख हो जाए और उसके बाद ऐसे राखियाँ बांधते घूमे। तो इस तरीके की राखी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये जो काफ़ी दूर घर है इनका, ये एक पापा के मतलब चाचा थे उनका घर है, तो उधर ही हम आए थे। और ये सारे खेत तो उनके ही है, काफ़ी अच्छी इनके ग्रीनरी रहती है यहाँ पे, तो हम मुझे अच्छा लगा था यहाँ पे, तो इधर आ गए थे हम। तो ये है हमारा गांव और ये खेत है गांव के, तो नन्नू कुछ बोल, दिखा नन्नू, दिखा ना, तो भाई हमारा गांव है हमारे। और जल्दी जल्दी मतलब सब जगह राखी बांधनी थी, तो हम कहीं नहीं रुके थे, फटाफट राखियां बांध के निकल गए थे वहां से। लेकिन सबसे लास्ट घर यही था और अब हमें कहीं नहीं जाना था, तो थोड़ी देर यहाँ रुके, चाय पानी पी, उसके बाद आ गए थे हम घर पे। लेकिन इनके यहाँ पे ना मतलब खेतों में ही घर है, तो वही सब चीज़ें देखने लग गए थे। और नींबू वगैरह आ रहे थे, तो थोड़े बहुत नींबू बैंगन वगैरह थे, तो वो तोड़ने लग गए थे। और उसके बाद हम नींबू आ घर रहे पे क्या? आए थे और पता नहीं 2 दिन हो गए, मेरा मन उतना अच्छा नहीं है, जबकि मेरी बहनें भी आ गई है, मम्मी भी आ गई है,
लेकिन जैसे जैसे राखी आ रही, पता नहीं क्यों मन बैठा जा रहा है। बोलते हैं कि राखी भाइयों का त्यौहार होता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए राखी मेरे पापा के होने से ही आती थी। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। बदबू आ रही है, मारो तोड़ने दे दो, नाक खराब है। यहाँ पे आ रही है बदबू, इसलिए यहाँ पे ऐश करके चल रहे हैं हम लोग। और इधर इधर तालाब है। हाँ, अभी सबके बन चुकी है राखी, तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, क्योंकि सबके जिनके भी परिवार में फैमिली में जिनके भी राखी बनती है हम लोगों ने बांध दी थी। और 2 घंटे से या 3 घंटे से हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। और पीछे मेरी बहनें आ रही हैं, तो उजाला दिखा सूरज है। बोर्ड कर दिया अगर वाराणसी बोर्ड हो या कि बोर्ड ही कर दे मतलब फैसला तक रहा ही होगा। शेरू और ये जो है पापा का है, मतलब ये शेरू है इसका नाम। और अब पापा नहीं है तो ये घर पे भी नहीं आता है, और हमें तो नहीं पहचानता, लेकिन सेजल को पहचानता। तो जैसे ही सेजल ने इसको नाम लिया ना कि शेरू आ जा, तो वो उसके पीछे ही लग गया, साथ साथ में चलने लग गया। और बहुत समझदार है ये। और ये एक चाचा है जो आज भी पुराने घरों में ही रहता है, तो उनके भी बांधने गए थे, तो इधर रास्ते रास्ते ऐसे खराब ही थे, तो कूदते फांदते यहाँ पहुँचे थे। और वापस आते वक्त जहाँ पे एक भाई यहीं रहता है, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं, तो उनके घर भी गए थे राखी बांधने, मतलब त्योहार वाली राखी बांधने। बाय।